नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनकम, वेलकम टू माई चैनल शादाब शकूरी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मज़े में होंगे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो है कवाली गहरवा, वन ऑफ माई फेवरेट्स सब्जेक्ट है। और गहरवा जो है, कई अलग अलग किस्म से गहरवा बजते हैं। गहरवे की जो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो आपको गूगल बाबा पे मिल जाएगी। हम उस पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आइए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। अब ऐसा है कि ये जो आपने अभी कवाली सुनी है, बहुत ही फेमस कवाली है, और इस पे जो ठेका बजा है वो खड़ा कहरवा बजा है। वो पूरा जो कहरवा है उसको कहीं भी सपोर्ट नहीं है, ना और दिन का कॉम्बिनेशन है। बहुत ब्यूटिफुल कहरवा है। और ये एक्चुअली में नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ उस्ताद दिलदार हुसैन खान साहब ने बजाया है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट्स तबला प्लेयर हैं। और इस कहरवे को बजाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, तो आपको ज़रा दूध मक्खन बादाम पिस्ता ज़रा खाना पड़ेगा, सच में कह रहा हूँ। सो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। इसके जो बोल हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। धा धिंदा तिंता तिंधा तिंधा धिंदा तिंता तिंधा तिंधा धिंदा तिंता तिंधा तिंधा धिंदा तिंता तिंधा तिंदा। अभी धा धिन जो है, जो हम धा और धिन जो है वो हम धा धिन धिंदा से सीखते हैं, और यही बोल तीन ताल में बजे हैं। तीन ताल के बोलों को थोड़ा सा घुमा दिया है और आठ मात्रा में जो कि कहरवा होती है उसमें कंपोज किया गया है। सो धा धिन धा तिन ता तिन धा तिन धा धिन धा धिन, मैदान वाला धिन, खुला धिन नहीं। धा धिन धा तिन ता तिन धा तिन धा धिन। अभी धा बहुत से ऐसे हैं जो बिगनर्स देख रहे हैं, उनके लिए धा ऐसा हो जाएगा के घे घे और ना, अगर दोनों को साथ में बजाएंगे तो धा हो जाएगा। घे ना, ये इंडिविजुअल हो गया। अब दोनों को साथ में बजाना तो धा हो जाएगा। उसी प्रकार दिन बजाना हमको, घे और मैदान वाला दिन बजाएंगे तो दिन हो जाएगा। सो दिन घे तिन, ये सिंगल हो गया। अब दोनों को साथ में बजाएंगे तो दिन हो जाएगा, तो धा दिन धा तिन ता तिन धा तिन धा धिन धा तिन ता तिन धा तिन धा धिन धा तिन ता तिन धा तिन। ये स्ट्रेट बोल्स हैं, ये एक बार अगर आपके हाथ में तैयार हो जाता है तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से आप इसको बजा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कवाली सुनी तो उसमें जिस लय पे ये ठेका बजा है, उस लय पे ये ठेके का लंगर बन जाता है, एक समा बन जाता है। सो जो तबले की जो आस है, मेरा ट्यूटोरियल जो है बहुत चला, बहुत पसंद किया आपने, कि ठेके का तानपुरा,
ठीक है, अब वो ठेका चाहे तीन ताल का हो या कहरवे का हो, तो ये समझने वाले की बात है। जो समझ गया वो पा गया, जो नहीं समझा वो रह गया। सो ठेके का तानपुरा कैसे बजेगा? ना दिन ना दिन ना दिन ना दिन ना दिन ना दिन, ये कंटिन्यू बज रहा है। अब इसमें बाया ऐड करना है हमको, धा दिन दा घे घे घे। सो और ये ना दिन बज रहा है। सो धा दिन दा तिन ता तिन धा तिन। अब ये जो पिकअप है ताकिट ताकिट ता ताकिट ताकिट ता, हम जब इंडियन क्लासिकल तबला बजाते हैं तो उसमें ताकिट ता ऐसा बजता है, लेकिन जब हम लाइट कवाली जब बजाते हैं तो उसमें तबले का जो ठेका होता है, उसके मिजाज और उसके तेवर हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं। उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट रजिस्टर करने के लिए, उसको क्रिस्प करने के लिए हमको कत को जो है वो बाहें पे ऐसे बजाना है। सो ता की ता ता की ता ता, 1 2 3 4। अंदाजा था समझाने का। और ये जो बोल है जो मैंने आपको जिस तरीके से बताए, धा धिन धा तिन ता तिन धा तिन, इसको आप कम लय में रोज 200 बार 300 बार अगर आप महीना डेढ़ महीना दो महीना तक करेंगे तो आप बहुत जल्दी अच्छी स्पीड पे ये ठेका बजा पाएंगे। इस ठेके में और अलग अलग तरीके से भाव एक्सप्रेशंस हम कैसे दिखा सकते हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस चीज़ों को या इन क्रियाओं को अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तबला क्लासेस, पखावज क्लासेस और ढोलक क्लासेस अवेलेबल है। हमारे दिए गए हुए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के सिलसिले में जो भी डिटेल्स आप जानना चाह रहे हैं वो आपको पूरी करके मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको ज़रा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। खुद भी सीखें दूसरों को भी सिखाएं, खुद भी आगे बढ़ें दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि मालिक ईश्वर अल्लाह आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आप सब मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।